दुर्वा को बचाने के लिए अब अक्का साहेब यानी कि सुरेखा पहुंच चुकी है भोसले इंस्टीट्यूट। उसने लाख कोशिश की कि किसी को भी पता ना चले कि सभी के साथ जो ना इंसाफी हुई है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दुर्वा का हाथ है। और ऐसे में अब जब वो पहुंची है इंस्टीट्यूट तो वहां सभी से एक गलत डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहती है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित हो जाएगा कि सभी झूठ बोल रही थी दुर्वा को लेकर। यहां पर अब सभी वैसे ही काफी चालाक है, वो इन लोगों की बातों में तो नहीं आने वाली, लेकिन इसके बावजूद सुरेखा ताई जिस तरीके से उसे बोलती हुई नजर आई, उसे लगातार धमकी देती नजर आ रही थी, उससे एक बात तो तय था कि वो सभी को डराने धमकाने की कोशिश कर रही थी। हम आपको बता दें कि यहाँ पर सभी डरने वालों में से तो नहीं है, लेकिन अब यहाँ एक बात और सामने आई है। जब सुरेखा ताई पहुंची और वो जिस तरीके से सभी को डरा रही थी, सभी जवाब देती उससे पहले ही शुक्ला जी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने ये सब कुछ देख लिया है, उन्हें पता चल गया है कि जहां एक तरफ दुर्वा सभी के पीछे पड़ी थी, वहीं अब अक्का साहेब भी आकर सभी के साथ बदतमीजी कर रही है। सभी ने साफ साफ कह दिया कि वो ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेगी, लेकिन यहाँ अक्का साहेब उसे एक के बाद एक धमकियां दे रही थी और कह रही थी कि वो उसको कॉलेज से निकलवा देगी अगर उसने इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किया तो। पर सभी अपनी बात पर अड़ी हुई थी, सभी जानती है कि अगर वो ये बात जाकर ईशान को कहेगी तो ईशान इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा, और इसीलिए अब जो अक्का साहेब है उनकी इस हरकत के बारे में शुक्ला जी जाकर ईशान को बताने वाले हैं। वहां पर शुक्ला जी ने देख लिया कि कैसे सभी के साथ लगातार पहले दिन से ना इंसाफी हो रही है, वो भी इन सारी बातों को सोचकर परेशान है कि आखिर सभी को ये लोग इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर एक बड़ा फैसला शुक्ला जी लेते हुए नजर आएंगे और वो ईशान को जाकर ये सारी बातें जरूर बताएंगे कि कैसे सभी को पहले दिन से ही यहाँ पर बहुत परेशान किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।